वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स. एक बार फिर से आपका स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे. जैसा कि हमने दिन में आज एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फॉर द सीनियर जो हमारे ग्रुप्स होते हैं इन CDS, OTA, FCAT, NDA बैचेस के, उनके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. और दिन में हमने मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास ली थी और अब हम हमारी ऐसी कोशिश है कि दिन में हम दो बार लाइव आएं और दो बार आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए आगे बढ़ें, जिससे आपकी एक दिन में दो सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी आगे चलती रहेगी. सो टुडे इन दिस सेकंड सेशन वी आर डिस्कसिंग, वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो आज हम इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि उसमें हम NDA और CDS से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव, उनमें किस तरह से स्टडी मटेरियल हमारा रहता है और हमें क्या क्या उसमें पढ़ना इम्पोर्टेंट रहता है. सो दिस इज द इंडियन पॉलिटी बाई डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी और ये इंट्रोडक्शन है पहला हमारा इंडियन पॉलिटी पे. तो हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे. दरअसल आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर पोर्शन कवर करता है. But before beginning with Indian Constitution, we have to aware about some technical terminologies, कुछ concepts हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो इन्हें हमने इस तरीके से जो introduction है Indian Polity का, उसे चार हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला आज हम देखेंगे जो कि state और its elements के बारे में बताता है. इसके बाद हम organs of government और types of government system के साथ ही evolution of constitutionalism की भी बात करेंगे. तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा इंडियन पॉलिटी की तरफ. तब हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तरफ हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे. तो चलिए आज शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग जो हमें जाननी जरूरी है, पॉलिटी वर्ड एक स्टेट के लिए यूज किया जाता है. किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल लीनिएज या उसकी पूरी जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी मिलती है इंडियन पॉलिटी में. तो अगर हम स्टेट की राज व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि स्टेट क्या होता है. व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट दरअसल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि दिखाई तो नहीं देता है कि हम इसे स्टेट कहेंगे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट अपने आप में है जो कॉन्क्रीट नहीं है. तो ये बताता है स्टेट किसी भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो राजनीतिक सोच है, उसके बारे में बताने वाली एक इकाई है या एक यूनिट है. और कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई करने पर ही हम किसी भी एंटिटी को स्टेट कहते हैं. तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं. सार्थक, वी हैव टेकन योर नेम, बट प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज. आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. सो मैं अभी कॉमेंट्स नहीं देखूंगा, सिर्फ मैं अभी पढ़ाने का काम करूंगा. और कभी हम आफ्टर एक ठीक ठाक पोर्शन इसका कवर कर लेंगे, देन वी विल इंटरेक्ट विथ यू लाइव. सो राइट नाउ यू विल फोकस ऑन वट वी आर टीचिंग एंड उस चीज़ पर ध्यान दीजिए. तो स्टेट के कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं जिनको, जिनके होने पर ही हम उसे स्टेट कहते हैं. तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं. पहली चीज होती है जो स्टेट के पास होनी चाहिए, वो है उसका ज्योग्राफिकल एरिया. कोई भी स्टेट विदाउट इट्स ज्योग्राफिकल एरिया कैन नॉट बिकम अ स्टेट. उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए जिसमें वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता हो. तो अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द स्टेट्स गवर्नमेंट कैन फंक्शन इज कॉल्ड स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया. तो ये पहली शर्त है किसी भी स्टेट के होने की. दूसरी शर्त जो है वो है एक पॉपुलेशन. उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कुछ लोग रहने चाहिए जो कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कहलाएगी.
सो अ स्टेट नीड्स अ पॉपुलेशन विच इज रिसाइडिंग इन इट्स ज्योग्राफिकल एरिया एंड गवर्न बाय इट्स रूल्स। तो दो बातें जरूरी हैं स्टेट के लिए, पहली है ज्योग्राफिकल एरिया का होना और दूसरी है उसमें रहने वाली एक पॉपुलेशन का होना। तीसरी जो शर्त है वो क्या है, तीसरी शर्त के बारे में हमें पता चलता है कि वो है गवर्नमेंट का होना। एक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो गवर्न करता हो उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाली उस पॉपुलेशन को, और उसको कहते हैं गवर्नमेंट। सो स्टेट शुड हैव सम ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू हुम इट कैन प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट इट्स पॉलिटिकल विल। जो भी उस स्टेट में रहने वाले लोगों की राजनीतिक इच्छाएं हैं, पॉलिटिकल विल है, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो करती है वहाँ की सरकार करती है। इसलिए जो तीसरा एलिमेंट है स्टेट का जो बहुत ज़रूरी है वो है गवर्नमेंट। और इन तीनों के बाद एक और महत्वपूर्ण इसका एलिमेंट या तत्व आता है, वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी हम कहते हैं संप्रभुता को। इसको संप्रभुता या सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एक्सटर्नल एजेंसी फॉर टेकिंग अवर ओन डिसीजंस। तो एक स्टेट के तौर पे अगर हम देखें, जो ब्रिटिश इंडिया था वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया पर ब्रिटेन के थ्रू वहाँ की क्वीन राज किया करती थी, और जो भी डिसीजंस हैं इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर गवर्निंग इंडिया वो ब्रिटिशर्स ही लेते थे। तो ब्रिटिश इंडिया एक सोवरन स्टेट नहीं था, इसलिए इसमें चार जो एलिमेंट हैं स्टेट के उनमें से एक सोवरनिटी नहीं थी। ये चार एलिमेंट जरूरी हैं, चार एलिमेंट मिलके आप जब मिलते हैं तो आप उसे एक स्टेट कह सकते हैं। अब इस पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, दिस शुड बी नोटेड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट आर नेसेसरी एंड आर नॉट ऑप्शनल। इसका मतलब ये है कि जो चारों एलिमेंट जिनकी बात हमने की, ये जरूरी हैं एक साथ, एक की भी कमी होने का मतलब है कि उसे स्टेट नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर ज्योग्राफिकल एरिया है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन सोवरेनिटी नहीं है, तो वो स्टेट नहीं होगा। सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, तो भी वो स्टेट नहीं होगा। और इसी तरीके से चारों में से कोई भी एक एलिमेंट अगर नहीं होगा तो हम उसे स्टेट या राज्य नहीं कहेंगे। एक और खास बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि स्टेट वर्ड का यूज हम अक्सर अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए करते हैं और देश ये को नेशन या कंट्री के रूप में बोलते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो किसी कंट्री को भी या किसी देश को भी उसमें स्टेट कह सकते हैं, या कभी कभी उसके लिए नेशन स्टेट जैसी टाइटल्स का यूज किया जाता है। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ये कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है। तो क्या हमने सीखा अभी तक, स्टेट पॉलिटिकल विल होती है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताता है, और दूसरा ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये दिखाई नहीं देता है मगर कुछ एलिमेंट्स के थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं, और इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया होना ज़रूरी है, पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, उसमें रहने वाली उनसे गवर्न करने वाली गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, और इस गवर्नमेंट का सोवरन होना ज़रूरी है, यानी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी और कंट्री या किसी बाहरी एजेंसी पर वो डिपेंडेंट ना हो। तो इतनी सारी बातें अगर हमने समझ ली हैं तो फिर हमने समझा कि ये सारे के सारे एलिमेंट ज़रूरी हैं, किसी एक के भी अभाव में, किसी एक के भी बिना हमारा स्टेट स्टेट नहीं कहलाएगा। सो अब हम देखते हैं, इट मीन्स दैट इफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग देन क्या होगा, वी कैन नॉट से दैट द एंटिटी इज अ स्टेट। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इस तरह से कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें लगता तो था कि ये स्टेट होंगे मगर ये स्टेट नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं, टिबेट गवर्नमेंट इज विदाउट इट्स ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्दो इट हैज इट्स पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन है एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी है विथ लिमिटेड सोवरेनिटी। लिमिटेड सोवरेनिटी इसलिए क्योंकि धर्मशाला से ये गवर्न होती है, ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल है जो चाइना से भागकर जब दलाई लामा जी आए थे भारत में, उन्होंने शरण ली थी, तो यहीं उनके फॉलोअर्स ने तिब्बतन गवर्नमेंट बनाई थी जिसे वो मानते हैं कि असली तिब्बतन गवर्नमेंट है। और जो
तिब्बत में एक्चुअली चाइना के सपोर्ट से बनी हुई गवर्नमेंट है, वो फेक गवर्नमेंट है। लेकिन क्या आप इसे एक स्टेट कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका अपना ज्योग्राफिकल एरिया जो कि तिब्बत है वो इसके अंडर नहीं है, जबकि इसकी पॉपुलेशन है जो यहाँ रहती है, काफ़ी तिब्बतन पीपल इंडिया में रहते हैं, उस एरिया के आसपास रहते हैं। इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इनके अपने मिनिस्टर्स होते हैं, दलाई लामा इनके सुप्रीम लीडर हैं, और इनकी लिमिटेड सोवरेनिटी है ऑन दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया। लेकिन जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो उससे छिना हुआ है, इसलिए ये एक स्टेट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम देखें तो द ब्रिटिश इंडिया, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द ब्रिटिश इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटिटी विदाउट सोवरेनिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी सोवरेनिटी ब्रिटेन पे डिपेंड करती है। ब्रिटेन जो डिसीजन लेता है वही इंडिया में लागू किए जाते थे 1947 से पहले। सो ऑल्दो इट हैज ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी एक इंडिया में, बट इट इज नॉट सोवरन। इट्स सोवरनिटी रिलाइज ऑन द विल ऑफ ब्रिटेन और इट्स क्वीन। तो ब्रिटिश इंडिया को भी एक स्टेट नहीं कहेंगे। इसी तरह से कुछ अलग एग्जाम्पल अभी कंटेम्प्ररी टाइम के हम देखते हैं, तो द कंडीशंस इन अफगानिस्तान ऑन अगस्त 2021 वर एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री विदाउट द गवर्नमेंट। तो अफगानिस्तान की स्थिति भी उस समय स्टेट की नहीं थी, जिस समय अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिसीट कर रही थी, उनके हेड छोड़ के भाग चुके थे, और तालिबान धीरे धीरे एक्वायर कर रहा था एरिया को। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वहाँ कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं कर रही थी, तो उस कंडीशन में भी अफगानिस्तान एक स्टेट नहीं कहा जा सकता था। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिनकी वजह से हम समझते हैं कि जो चार एलिमेंट हैं वो कितने क्रूशल हैं, उनका होना कितना ज़रूरी है, और बिना किसी एक भी एलिमेंट के कैसे कोई स्टेट स्टेट नहीं रहता है। इसके बाद चूंकि हमने एक पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी का मतलब है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था किसी राज्य की होती है, राज्य का मतलब यहाँ पर किसी देश से भी हो सकता है। तो हमने ये समझा कि देश या राज्य किसे कहते हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं कि वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि जब हम राजव्यवस्था पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि इस कंट्री या इस स्टेट की क्या पॉलिटिकल सिस्टम है। सो व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अब हम देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी व्हिच मींस इट एस्पायर टू बिकम अ फोर्स व्हिच प्रोटेक्ट। अभी कौन सा फोर्स? एक पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इट एस्पायर्स टू बिकम अ फोर्स व्हिच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शंस। ओके, तो वल्नरेबल और वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत होती है। एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो उसके पास कुछ अथॉरिटी होगी, तो वो समाज में रहने वाले कमजोर तबके के लोगों के लिए ही काम करेगा, अन्यथा उनके बारे में बात करने के लिए कोई सिस्टम ना होने पर उनके साथ अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। सो दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज द वन पॉइंट। इसके अलावा टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बींग, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बींग वी नीड सम कंडीशंस, एंड दोज कंडीशंस कुड बी स्टेब्लिश्ड थ्रू अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर हम अपना जीवन पूरे तरीके से जीना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है, या पहले जहाँ एनार्की होती थी, तो वहाँ जिसके पास ताकत उसके पास सारी की सारी पावर। लेकिन ये कंडीशन तो आइडियल कंडीशन है नहीं। एवरी ह्यूमन बींग हैज़ अ राइट टू लिव हिज लाइफ फुल फ्लेजेडली। हमें अपने सारी एस्पिरेशन, हमें सारी अपनी इच्छाएं पूरी करने की आज़ादी होनी चाहिए, और उसके अलावा हमें एक बेहतर ह्यूमन बनने के लिए भी बेटर कंडीशंस मिलनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस और ये सारे अपॉर्चुनिटीज हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम होता है तो क्राइम और इस तरह के जो इनजस्टिसेस हैं वो कम होते हैं। ठीक, तो फॉर बीइंग अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग वी नीड अ पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम।
पहली बात तो ये थी कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कमजोर लोगों के लिए, यानी कि सोशल लेवल पे अगर हम देखें तो उस तबके के लिए जरूरी है पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे इसके बिना ठीक से जीने के अवसर नहीं मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल से हटकर एक इंसान की बात करें तो उसे भी अपने जीवन को ठीक से जीने के जो अवसर मिलता है वो एक अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही मिल सकता है। सो दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद अगर हम कुछ एक अगला पॉइंट देखें तो हिस्टोरिकली वी इवॉल्व्ड विद डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, फ्रॉम ट्राइब्स टू किंगडम्स टू एम्पायर्स एंड कॉलोनीज एंड नाउ डेमोक्रेसी। दिस इटसेल्फ सजेस्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमने देखा है पुराने समय से, ऐतिहासिक रूप से भी, कि समय समय पे हमने अलग अलग तरह की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहकर देख लिया है, और हम धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज इस डेमोक्रेसी में पहुंचे हैं। पहले हम एक ट्राइब के तौर पे रहा करते थे, यानी कि कबीलों में रहा करते थे। फिर हमने किंगडम्स बनाए, यानी कि राज्य बनाए, राजा बनाए, उनके अंडर रहना सीखा। फिर हमने एम्पायर्स बनते देखे, यानी कि साम्राज्य बनते देखे, यानी कि बहुत बड़े एरिया में राज करते हुए देखा, और उस सिस्टम में रहने के फायदे नुकसान जाने। फिर कॉलोनीज का दौर आया, जो कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पर आया, जैसे कि ब्रिटेन ने हमें अपनी एक कॉलोनी बनाया था, उस सिस्टम को भी हमने देखा। और धीरे धीरे वक्त के साथ हमने जो इवॉल्व किया है पॉलिटिकल सिस्टम, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसमें हम आज रहते हैं, और ये बहुत बेहतर है पिछले उन सभी पॉलिटिकल सिस्टम से जिसमें हम रहा करते थे। यहाँ जितनी आज़ादी और जितनी सिक्योरिटी है, जितनी सुविधाएं हैं, उतनी पहले के सिस्टम्स में नहीं थी। और नो डाउट अगर डेमोक्रेसी से बेटर अगर कोई सिस्टम हमें भविष्य में लगता है या मिलता है, तो हम ज़रूर वो पॉलिटिकल सिस्टम भी अपनाएंगे, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो लगातार उन्नति या प्रगति या प्रोग्रेस करते रहने की है। सो दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल सिस्टम। आई होप दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड प्रॉपरली, दैट वाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। और मुझे लगता है कि हमने एलिमेंट्स भी देख लिए हैं, सभी नेसेसरी हैं जो किसी भी स्टेट को बोलने के। तो इन सब क्वेश्चंस के उठने के रीजन आप शायद समझ चुके होंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी। ओके, इंडियन पॉलिटी में हम दो वर्ड पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज, पहला है इंडियन, इंडिया एक क्या है, इट्स अ कंट्री। और पॉलिटी की भाषा में कहें तो एक स्टेट, और पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है, तो इसी इन्हीं दोनों चीजों को तोड़कर समझने के लिए हमने देखा व्हाट इज अ स्टेट एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, और उसके बाद हमने देखा व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। इन दो क्वेश्चंस का रीजन यहाँ पर आने का साफ है। उसके बाद अगर हम इंडिया स्पेसिफिक देखें, अभी हमने जनरल एक सिनेरियो देखा था कि व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि व्हाई इंडिया नीड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये सारे पॉइंट उसमें भी लागू होंगे, लेकिन कुछ इंडिया स्पेसिफिक बातें भी हमने करनी पड़ेंगी कि भारत में कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो नेसेसरी बनाती हैं एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होने को। तो जो पहली बात है वो है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन इन इंडिया एंड द एंटी नेशनल फोर्सेस। ये वर्ड बीते कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन ये पहले से ही हमें हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके ध्यान में था। सो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन इन इंडिया एंड द एंटी नेशनल फोर्सेज आर ऑल्सो पोजिंग थ्रेट टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस पे नेशन बिल्डिंग, हम एक नेशन के रूप में लगातार अभी भी बन रहे हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको हम भरने का काम कर रहे हैं, और धीरे 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 डेवलपमेंट की नई सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में, इस प्रोसेस में जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है वो है कुछ एंटी नेशनल फोर्सेस जो नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। तो ऐसी फोर्सेस को टैकल डाउन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जो एफिशिएंटली इन चीज़ों को दूर कर सके, और जिनके आए दिन हम एग्जांपल्स भी देखते रहते हैं। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम टू कंप्लीट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अवॉइड सच एंटी नेशनल फोर्सेस इम्पैक्ट ऑन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये पहला है जो इंडिया स्पेसिफिक रीजन है जो हमें समझ में आया। दूसरा, सिमिलरली द थ्रेट्स
तो द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी आर ऑल्सो देयर। तो देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की बाहरी सुरक्षा को दोनों तरफ से यानी कि खतरा है। आंतरिक सुरक्षा को किस तरह से खतरा होता है कि हमारे देश में नक्सलिज्म सेपरेटिज्म जैसी बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी और अभी भी हैं। नक्सलिज्म अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये इंडियन पीपल ही हैं जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं वट एवर द रीजन, बट उनका जो तरीका है वो गलत है। दैट इज वायलेंस। वायलेंस इज नॉट एन आंसर। और इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों का मारा जाना भी अपने आप में प्रूफ करता है कि ये एक सही तरीका नहीं है। तो नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। और एक्स अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मैंशन इन वन ऑफ हिज स्पीच दैट नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। और वो थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बताया था। इसके अलावा सेपरेटिज्म की जो फीलिंग है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में कुछ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे पहले, आज की डेट में उनका कुछ बहुत इम्पैक्ट कम हुआ है, लेकिन फिर भी वो सेपरेटिज्म की फीलिंग देश के कोने कोने में कभी कभी भी अपना अपना सर उठाती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी हम देख चुके हैं, यानी कि अपने एक अलग पहचान बनाने के लिए देश से अलग होने की भावना को सेपरेटिज्म या कहते हैं अलगाववाद। अलग होने की जो इच्छा है, अपना एक अलग देश बनाने की इच्छा, जो कि समय समय पर अलग अलग तरीके से कुछ ग्रुप्स दिखाते रहते हैं, ये अलगाववाद की समस्या, ये सेपरेटिज्म की समस्या। इससे निपटने के लिए भी हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, ये हमारी जरूरत है। That's why India need a political system. और इसके अलावा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट भी तो है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है लोक कल्याणकारी राज्य। इसके एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें आज के टाइम पे, तो लोक कल्याणकारी राज्य कैसे है इंडिया। यू ऑल नो दैट इन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जबकि पैंडेमिक अपने पीक पर था, उस समय पर जो हमारी भारत सरकार है, इसने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया था काफी महीनों तक। तो ये जो काम है मुफ्त राशन मुहैया कराने का, ये लोक कल्याण का काम है। दिस इज अ वेलफेयर पॉलिसी। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या घर घर शौचालय बनाने की व्यवस्था हो, या सरकारी स्कूल्स खोलना हो, सरकारी हॉस्पिटल्स खोलना हो, ये स्टेट करता रहता है फॉर इट्स पीपल, ताकि सभी के लिए एक्सेसिबल हो स्वास्थ्य शिक्षा से इस तरह की सेवाएं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद अ वेलफेयर स्टेट। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट है जिसे जरूरत भी है इस तरह की चीजें करने की। इस तरह की चीजें कर सके भारत, उसके लिए जरूरी है ना कि एक पॉलिटिकल सिस्टम हो जो ये काम करे। दैट्स व्हाई इंडिया नीड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। इसके अलावा भारत के कुछ और चैलेंजेस हैं। इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक कंट्री। प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है भारत एक बहुलतावादी समाज है। बहुलतावादी समाज, बहुलतावादी का मतलब होता है यहाँ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले, डिफरेंट आइडियोलॉजी रखने वाले, अलग अलग रिलीजन लैंग्वेज कल्चर इथनिसिटी के लोग रहते हैं। आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या गुजरात से त्रिपुरा तक देख लीजिए, अरुणाचल तक देख लीजिए, आपको वैरायटी मिलेगी। बहुत ही ये रिच डाइवर्सिटी है इंडिया की, ये बहुत बड़ी खासियत भी है इंडिया की। लेकिन ये प्लूरलिस्टिक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है एक सूत्र में बंधे रहना। जब बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स उभरे हुए होते हैं खास तौर पे एक देश में, तो ये संभावना बनी रहती है कि ये अलग अलग पहचान बनाकर धीरे धीरे इस देश से अलग होने की कोशिश कर सकें। इन्हें एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ अदर कल्चरल प्रोसेसेस हैं, कुछ रिलीजियस प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम भी जरूरी है जो इतने सारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो भी डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करता रहे और उन्हें लगे कि वो इस कंट्री में, इस स्टेट में सुरक्षित हैं, उन्हें इस कंट्री से अलग होने की भावना विकसित ना हो। तो ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी या जो डाइवर्सिटी का जो एमलगमेशन है इंडिया,
उसको संभाले रखने के लिए, उसको अपने फायदे के लिए, देश के विकास के लिए यूज करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है जो डेडिकेट हो इस तरह के डाइवर्सिटी को सहेज कर रखने के लिए, ठीक। और उसके अलावा इंडिया के केस में ये भी है कि हम एक बहुत ही फास्ट सोशल चेंज से होकर गुजर रहे हैं। फास्ट सोशल चेंज का मतलब होता है कि यहाँ इकोनॉमिक वेलबींग लोगों की बढ़ने लगी है कंपैरिजन टू द अ डेकेड एगो। तो आज से कुछ सालों पहले तक जो गरीबी का स्तर था, जो सुख सुविधाओं का स्तर था, जो मिडिल क्लास का लेवल था, वो काफी कम लोगों तक था। और धीरे 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 जैसे हमने डेवलपमेंट किया तो हम इस तरह के लेवल पे पहुंचे कि हम भी इकोनॉमिकली कुछ सिग्निफिकेंस रख सकें, कुछ काम कर सकें। एक्सेस टू द इंटरनेट इज वन ऑफ द थिंग। और बहुत सारे गरीब लोग कहे जाने वाले लोगों के पास भी आज के समय में मुफ्त का डेटा है, इंटरनेट फैसिलिटी है, जो उनको उनको अपनी स्थिति से उबरने में मदद कर सकता है। तो इस तरह के सोशल चेंजेस जब आ रहे हैं तो इसकी एक पीछे हिस्ट्री भी है। हिस्टोरिकली वी हैव सीन सम डिप्राइव्ड क्लासेस। बहुत सारा कास्ट सिस्टम का जो जहर था उसके कुछ अवशेष अभी भी हमारे सामने हैं। और कुछ ऐसे तबके थे जिन्हें कि डिप्राइव्ड रखा गया हिस्टोरिकली। आज के समय में जब सोशल चेंज आ रहा है और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है तो ये अच्छी कंडीशन है कि वो सभी तबके भी उन्नति कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं उन सो कॉल्ड ऊंचे वर्गों से जो पहले पावर सेंटर में हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि हमारे देश की अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, वो एक आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं। आदिवासी बैकग्राउंड के लोग पहले डिप्राइव्ड क्लास के तहत समझे जाते थे। इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो एक डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी से आते थे जिनके साथ हिस्टोरिकली काफी अन्याय हुआ है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि सोशल चेंज आ रहे हैं। अब वो तबके भी ऊपर उठ रहे हैं, उन्हें भी उन्नति के अवसर मिल रहे हैं जो आज से पहले तक निचले समझे जाते थे। ये जो गलत धारणा थी देश में वो बदल रही है क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक वेल्थ आ रही है। तो इस तरह के सोशल चेंजेस आने में जब एक क्लास ऊपर उठता है तो नेचुरली दूसरी क्लास के कुछ लोग को तो इस बात से दिक्कत होती है क्योंकि तो वो हिस्टोरिकली एक अलग आदत के तहत जी रहे हैं। तो हिस्टोरिकली डिप्राइव क्लास ऑल्सो जो डिप्राइव क्लासेस हैं वो डिमांड कर रही हैं अपने लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज की, जो कि आज से पहले तक उन्हें नहीं मिला करती थी। और ये सब कुल चेंज आए हैं जब से देश हमारा आजाद हुआ है, तो धीरे धीरे हमने इस प्रोसेस को अपनाया है। ऐसे बदले हुए सिनारियों में हमें एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जो कि इन सारी एस्पिरेशंस को मैनेज करे विदाउट एनी क्लैश इन द सोसाइटी। किसी तरह का कोई क्लैश ना हो, सभी लोग पढ़ लिख कर सही जानकारी लें, सही बात को समझें और सभी को ये समझ में आए कि ह्यूमन बीइंग आर ऑल इक्वल्स हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसको देने के लिए, इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जो सभी चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करे। सो दैट्स व्हाई इंडिया ऑल्सो नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। और उसके अलावा देर आर सेवरल अदर रीजंस फॉर द नीड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, बट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट एंड फॉर सोशल जस्टिस वी नीड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ओके जस्ट अ मिनट। तो ये सब कुछ रीजन थे जिनकी वजह से हमें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्यों इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। तो यहां तक हमने जो समझी बात वो है क्या कि भारत कि इंडियन पॉलिटी पढ़ने के कंटेक्स्ट में हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले स्टेट क्या है, स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं और ये सारे एलिमेंट्स एक साथ क्यों जरूरी हैं। इन सारे एलिमेंट्स के बिना कोई स्टेट कैसे स्टेट नहीं रहता है। उसके बाद हमने देखा इसके कुछ एग्जांपल जो कि समझे तो जाते हैं कि स्टेट है लेकिन वो स्टेट नहीं है। और Why we need a political system, इसका एक हमने ब्रॉडर एनालिसिस किया। हमने समझा कि
हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, और उसके बाद हमने इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों को समझा कि वाई इंडिया नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, और उसमें हमने बहुत सारे जो इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के सामने, वो क्या है वो देखी, और इस तरह हमें समझ में आया कि हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। अब अगला जो इसमें चैप्टर है जिसका मैं आज क्लिम्स दे देता हूँ और इसे हम कल कवर करेंगे, वो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। देखिए, हमने स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स देखा, हमने स्टेट्स एंड इट्स एलिमेंट्स में ज्योग्राफिकल एरिया एक एलिमेंट देखा, हमने पॉपुलेशन एक एलिमेंट देखा, हमने गवर्नमेंट और सोवरेनिटी एक एलिमेंट देखा। अब इसमें जो पॉलिटी से कंसर्न्ड है जो एलिमेंट, देखिए पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में आप ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है क्यों है इसकी जानकारी ज्योग्राफी कराती है। पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसके क्या फंक्शंस हैं, और ये कैसे इम्पैक्ट करती है किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन को। तो इस गवर्नमेंट को समझने के लिए ही अगला चैप्टर है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कौन किसे कहते हैं गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती, और इसी क्रम में सोवरेनिटी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सोवरेनिटी का मतलब है अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता। ओके, तो ये इतना अगर आज हम समझ पाए हो तो जो अगला है चैप्टर या अगला जो टॉपिक है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हम कल कवर करेंगे, जिसमें मोटा मोटी हमें समझते हैं कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए उसे कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं, उन लॉज को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, ठीक, टू रन अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दोज लॉ, और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस एक जस्टिस सिस्टम भी बनाना पड़ता है, और इसी से तीन ऑर्गन निकलते हैं गवर्नमेंट के, जो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से कल जानेंगे, और इसी के साथ आज की आपका जो लेक्चर है समाप्त होता है। सो सार्थक इज देयर, अक्कू नाम से गुड इवनिंग एवरीवन, वीरेंद्र सिंह इज हियर, एसआई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो जो एसआई यूनिटरी फॉर्म यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सूरज सर कवर करेंगे, आई विल कवर द जीके सेक्शन या जनरल नॉलेज सेक्शन, और ये जो सीरीज है ये स्पेशली सीडीएस, एनडीए, ओटीए, एफकैट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। पीयूष मिश्रा इज ऑल्सो हेयर, गुड इवनिंग तुषार, उपेंद्र गुजर, सो दीज आर द पीपल। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी अभी अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी रन कर रहा है, जो कि सीडीएस एनडीए से रिलेटेड बैचेस हम कवर कर रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन और एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट इन द गिवन नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और दैट्स ऑल फॉर टूडेज पॉलिटी सेक्शन, we will come live tomorrow as well in the noon time and also in around this time in the evening. तो कल भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का आगे जो हिस्सा है वो कवर करेंगे और इंडियन पॉलिटी में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर बींग देयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।